आप सभी का गांव की पाठशाला ई पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स के अपन ध्यान देंगे सबसे पहले, और ये जो मैं सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ टू बी रिलेटेड 8th क्लास का हो सकता है, तो अपन वहां शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे चर, अचर और समीकरण के बारे में। समीकरण में आप उसके बाद आपकी जो परिमेय संख्या भी आ जाएगी, प्राकृत संख्याएं भी आ जाएगी, और रेखीय समीकरण के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो पहला आपका पॉइंट आता है चर। चर चर क्या कहलाता है? चर एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका मान टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे, हम उसे चर कहते हैं। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, जैसे आपने x सुना होगा, y भी सुना होगा और z भी सुना होगा, a सुना होगा, b सुना होगा और c सुना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि हर प्लेटफॉर्म पर, हर कंडीशन पर x का मान अलग होता है, y का मान अलग होता है और z का मान अलग होता है। कहीं पर x का मान आपका 2 हो सकता है, कहीं पर x का मान आपका 5 हो सकता है, कहीं पर x का मान आपका 10 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। इसी तरह y के साथ होता है, y का मान 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, और सेम एबीसी के भी साथ होता है। तो हमारे कहने का मतलब है जिसका मान समय के अनुसार चेंज होता रहे हम उसे चर संख्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। और चर संख्या एक बहुत बड़ा बेस होता है हमारे मैथ के लिए। अगर मैथ में हम चर संख्या यूज नहीं कर सकते तो मैथ हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि हमारी पूरी मैथ जो होती है वो माना कि लेट पे आधारित होती है, कि माना कि ये संख्या x है, माना कि x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो सब कुछ हमारा डिपेंड करता है चर पे। ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया चर। संख्याओं की बात करने के बाद अब हम बात करें अचर संख्या की। अचर संख्या क्या होती है? अचर, अचर का मतलब ये होता है कि जो जिनका मान एक लाइफ टाइम के पीरियड के लिए निश्चित होता है। मतलब इन संख्याओं का मान ना तो टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है, ना ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदलता है। मतलब अचर संख्या 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं आपकी अचर संख्या कहलाती है। जहां भी आपका ये 0 दिया होगा, 1 दिया होगा, 9 दिया होगा, 5 भी दिया होगा, ये सारी संख्या अचर हो सकती हैं। 0 की जगह 10 भी हो सकता है, 9 की जगह 90 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, 1000, 1,00,000, कुछ भी हो सकता है। ये सारी संख्याएं अपनी अचर संख्या कहलाती हैं। अब आप बोलोगे ये अचर संख्याएं क्यों कहला रही हैं? क्योंकि यहां पर आप ये जगह बताइए, अगर 0 का मान कहीं 0 है तो वो 0 ही रहेगा। कहीं पर 0 का मान 1 नहीं हो सकता है, कहीं पर 0 का मान 10 नहीं हो सकता है, कहीं पर 1 का मान 10 नहीं हो सकता है, कहीं पर 9 का मान 8 नहीं हो सकता है। इसलिए ये अचर संख्याएं कहलाती हैं। तो कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है। जितने भी अपनी अचर संख्याएं रहेंगी उनका जो अपना मान रहेगा वो चेंजेबल रहेगा, और जितने भी अचर संख्याएं रहेंगी उनका मान कभी चेंज नहीं। चार अचर संख्याओं के बाद अब हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की। क्योंकि प्राकृत संख्या हमने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसका बताना बेसिक से ही होगा, क्योंकि अभी आप जब कभी समीकरण हल करते हैं, कभी कोई व्यंजक हल करते हैं, तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्या क्या कहलाती है। तो 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं का डेफिनेशन ये है कि जो 1 से लेकर 9 तक की जो सारी संख्याएं रहेंगी वो प्राकृत संख्याएं रहेंगी। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएंगी। 9 तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कहीं पर 0 दिया है, कहीं पर 9 दिया, तो ये तो पूर्ण संख्या कहला सकती है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कहीं पर -1 दिया है, -9 दिया, तो ये क्या होगा? आप सबके मन में सवाल होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये माइनस में जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाती हैं। इस चीज को नोटिस कर लीजिए। माइनस में जो संख्या होती है हम उसे पूर्ण संख्या का दर्जा नहीं दिए। अब इसके बाद पूर्ण संख्याएं हो गई,
और आपका प्राकृत संख्या हो गई। अब अपन बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है अपना जीरो से लेकर नौ तक की सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन माइनस में भी जो संख्याएं होती है ये भी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्या का मतलब है अपन कि अगर माइनस में कोई संख्या है, प्लस में कोई संख्या है और ये जीरो में कोई संख्या है तो वो अपनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। पढ़ा पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में एक डिफरेंस होता है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण और प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी संख्याएं परिमेय संख्या के फल में होती हैं वो कभी भी पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या नहीं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन संख्याओं में से जो संख्या परिमेय संख्या में के रूप में होती है वो कभी पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। मतलब जो भी संख्या p बटे q के फॉर्म में रहेगी या परिमेय संख्या के फॉर्म में रहेगी वो कभी पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। आपको समझ में आया? जैसे 4 बटे 5 हो गया आपका, 9 बटे 7 हो गया आपका, 3 बटे 2 हो गया आपका, तो ये सारी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी ना कि पूर्ण संख्याएं। हमने अभी पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा एक नया स्टेप आता है परिमेय संख्या है। आप लोगों ने भी काफी नाम सुना होगा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम पिछले भी जो टॉपिक पूर्णांक संख्याएं हैं उनके बारे में बता रहे थे। परिमेय संख्या वो कहलाती है जिन्हें हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू हर वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी जहां पर बटे में, मतलब कोई भी संख्या जैसे 4/5, 3/2, कोई भी संख्या तो हम इनको परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है, कंडीशन है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू वन, सॉरी जीरो। तो ये कंडीशन क्यों रखी गई है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? क्योंकि अगर क्यू जीरो के बराबर हो गया तो अगर हम यहाँ पर दे देते हैं पी बटे क्यू, ठीक है, और क्यू अगर जीरो के बराबर दे दिया तो ये जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या कभी नहीं कहलाएगी और जीरो एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो परिमेय संख्या का मतलब ये कि हम वहां पर कोई भी फॉर्म लिखेंगे 3/4, 2/3, 1/2, ये सारी चीजें करते हैं। अब परिमेय संख्याओं का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। परिमेय संख्या में हम चार फैक्ट यूज करते हैं, योग हो गया, दूसरा आपका व्यवकलन हो गया, व्यवकलन मतलब घटाना होता है, तीसरा आपका गुणा हो गया, चौथा आपका भाग हो गया। क्योंकि हम नॉर्मल संख्याओं में जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत आसानी से कर लेते हैं और इसमें भी थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके होते हैं। जैसे आपका 1/2 हो गया, 1/2 संख्याओं का, आप दो परिमेय संख्याओं का योग निकालना है आपको, संख्याओं का योग, ठीक है। आपको दो परिमेय संख्या दे दी गई, एक 1/2 दे दी गई और एक 3/4 दे दी गई, आप इनका योग निकालते हैं 1/2 + 3/4, 4 आपका लघुत्तम आता है, 2 × 4 = 2, 1 + 2 = 3, 5/2। तो आपकी ये जो जोड़ होगा वो इस तरह आएगा। अब इसी हिसाब से आपका व्यवकलन निकालते हैं इसमें, तो आपका ये देख लीजिए 1/2 - 3/4, ये आपका आएगा 2 - 3, तो आपकी आ जाएगी -1/4, ये आपका व्यवकलन हो जाएगा। ये आपका ये दो परिमेय संख्याओं का योग हो गया, ये आपका दो परिमेय संख्याओं का घटाना हो गया। अब गुणनफल जब हम करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं में तो वो भी सेम ही रहता है, उसमें कोई कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा गुणनफल इनका, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे 1/2 और 3/4, आप इनका गुणनफल निकालना है तो 3/8 हो जाएगा गुणनफल। और सीधा सीधा इसी तरह अपन भाग भी निकाल लेते हैं परिमेय संख्याओं का, 1/2 / 3/4। अब चूंकि 1/2 चूंकि भाग इतना बड़ा ये गया और 3/4 चूंकि संख्याओं का परिमेयकरण हो जाता है, तो यहाँ पर 1/2
ये जो 3/4 है तो 4/3 बन जाएगा, तो 2 × 2 = 4 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से हम सभी परिमेय संख्याओं में जोड़ घटाना गुणा भाग तरह तरह की चीजें करते रहेंगे। और कहीं भी आपको अगर परिमेय संख्या गुणनफल में या फिर भाग में या योग में व्यवकलन में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे व्युत्क्रम योग प्रतिलोम और प्रतिलोम के बारे में। आप सभी ने सुना होगा कि व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, योग प्रतिलोम क्या होता है। व्युत्क्रम को हम डिफाइन करते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करने का, जिस अगर हमें एक उसका गुणनफल एक प्राप्त होता तो वो संख्या उसकी व्युत्क्रम कहलाती है। मतलब कोई संख्या है किसी भी संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करने पर, कोई संख्या उसका परिमेय संख्या उसी के परिमेय संख्या से गुणा करने पर उसका व्युत्क्रम एक प्राप्त होता है, वो हमारा व्युत्क्रम कहलाता है। तो अब मारा कि हमने कोई परिमेय संख्या देखी, मारा कि कोई परिमेय संख्या 8/21 है। अब हमें ऐसी कोई 8/21 की कोई ऐसी परिमेय संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो। अब ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें हम 8/21 में गुणा करते हैं और हमको 1 प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या हमारी व्युत्क्रम कहलाता है, 8/21 की व्युत्क्रम संख्या कहलाती है। तो आपका ये 8/21 हो गया, 4/5 हो गया, दो संख्या ले 8/21 को मेरे ख्याल से अगर आप 21/8 कर देते हैं तो ये 8/8 कर जाएगा, 21/21 कर जाएगा, तो ये इसका गुणनफल 1 हो जाएगा। 4/5 में 5/4 कर देते हैं तो 1 बचेगा, 4/4 कर जाएगा, 5/5। हमारा मतलब होता है सामने वाली संख्या को उस परिमेय संख्या से गुणा करने का कि जिससे वो कटने पर, जिससे उससे गुणा करने पर ऐसा कटान हो कि वहाँ पर हमें जो लास्ट में प्राप्त हो वो 1 हो, तो व्युत्क्रम कहलाएगा, व्युत्क्रम संख्या कहलाएगी वो। अब ये बताइए कि आपका कोई परिमेय संख्या उसको हम जो है व्युत्क्रम आसानी से ये कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि हमारे पास जो भी परिमेय संख्याओं में होता है एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। मतलब 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। कैसे आप बताइए, माना कि 0 को कोई संख्या है, हमको इसको परिमेय ऐसी परिमेय संख्या से गुणा करना है कि इसका मान 1 आ जाए, क्या ऐसा संभव है? कभी नहीं। अगर 0 का गुणा आप 4/5 से करोगे तो भी 0 आएगा, 0 का गुणा आप 8/21 से करोगे तो भी 0 आएगा, यहाँ तक कि 0 का गुणा 1 से करोगे तो भी 0 आएगा, और 1 का 0 गुणा 0 से करोगे तो भी 0 आएगा। मतलब एक अपवाद है 0 की, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, 0 की कोई व्युत्क्रम संख्या नहीं होती है, ये आप नोटिस कर लीजिए, ये एक नोट है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। टॉपिक बात करेंगे प्रतिलोम में, सेकेंड में आपका अपना रहेगा प्रतिलोम। आप लोगों ने काफी सुना होगा प्रतिलोम क्या, प्रतिलोम ये होता है कि किसी भी संख्या को हम उसे 1/k लिखना, मतलब 1/ में कर लोगे तो कोई भी संख्या आपका प्रतिलोम बन जाएगी। मतलब आपके पास कोई संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, चार राशि दी गई, चार राशि दी हुई है, तो आप उस संख्या को प्रतिलोम संख्या बना सकते हैं। मतलब कहने आप किसी ने कहा कि हमारे पास 1 दिया हुआ, तो 1 का प्रतिलोम क्या होगा, 1 का प्रतिलोम हमेशा 1 ही होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 4/5 का प्रतिलोम क्या होगा, 1 सही 4/5, तो आपका ये हो जाएगा 5/4, ओके। और ये 3/4 इसका प्रतिलोम होगा, 1 सही 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। मतलब कोई भी संख्या हो जिसको अपन 1 सही बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो उसका प्रतिलोम बन जाएगा। और सभी संख्याओं को प्रतिलोम है, जैसे 4 का प्रतिलोम होगा 4 है, 4 का प्रतिलोम होगा 1/4, 5 का प्रतिलोम होगा 5/5, ये सब चीजें करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके साथ योज प्रतिलोम। हमने प्रतिलोम पढ़ा, अब पढ़ेंगे योज प्रतिलोम। प्रतिलोम और योज प्रतिलोम दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, अपन इन दोनों में से नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे हैं।
प्रतिलोम में हम कोई भी चीज उसको वन अपान में लिखते हैं, लेकिन युज प्रतिलोम में कोई भी संख्या जो भी हमको दी होती है वो हमारी प्रतिलोम का, युज प्रतिलोम का अर्थ होता है सीधा साधा, सीधा होता है विलोम। विलोम मतलब उल्टा, उल्टा मतलब अगर कोई चीज प्लस में है तो वो माइनस में आ जाएगी, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगी, गुणा में है तो भाग में आ जाएगी, ये सारी चीजें हैं। मतलब हमारे पास कोई संख्या 4/5, तो अगर हम सोचें कि इसका हम योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो -4/5 हो जाएगा। 10/11 है तो इसका हमारा योज्य प्रतिलोम होगा -10/11। 12/17 है, इसका हो जाएगा -12/17। तो हमको थोड़ा सा हमारा ध्यान रखना है कि हमें किन संख्याओं में क्या करना है। और एक डिफिनेशन ये है कि जीरो का योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, ना तो विलोम होता है ना तो प्रतिलोम होता है, ठीक है, जीरो का जीरो ही रहेगा। तो ये सभी चीजें जो अब हम आपको इस चैप्टर में बता चुके हैं, इस चैप्टर में हमने आपको प्राकृत संख्या पढ़ाई, पूर्ण संख्या पढ़ाई, पूर्णांक संख्या पढ़ाई, व्युत्क्रम पढ़ाया, परिमेय संख्याएं पढ़ाई, योज्य प्रतिलोम पढ़ाया, प्रतिलोम पढ़ाया। इनके आपका जो प्रश्नावली दी हुई है इनमें आपका टॉपिक्स में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स को हल करिए, आपकी जो क्वेश्चन डायरी है उनको वो हल करिए। वहाँ पर आपको अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आपसे कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत आती है विलोम प्रतिलोम किसी भी तरह के सवाल में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें बकायदे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए कि हमें ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आपको पूरा क्वेश्चन भी छाप सकते हैं, पूरा क्वेश्चन छापिए, हम उस क्वेश्चन के लिए को लेकर आपको वीडियो बनाएंगे और आपके लिए एक स्पेशल वीडियो स्टूडेंट इवेंट भी देंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बेसिक्स बताना आपको ज़रूरी समझा, क्योंकि अगर आप इनको जानेंगे नहीं तो अगर हम आपके आने वाली कक्षाओं में जैसे 9th हो गया, 10th हो गया और किसी भी कक्षा में अगर हम बता रहे हैं तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं आपके अपने सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, अभी हम जो डेटा पढ़ा रहे हैं आपको, ये आपका 8th क्लास का डेटा चल रहा है, 8th क्लास का, ठीक है। ये आपको अगर डेटा टॉपिक्स ढूंढेंगे तो ये आपको 8th क्लास में मिल जाएगा। अगर आप किसी के पास कोई NCERT बुक यूज़ करता है या CBSE पैटर्न में यूज़ करता है तो उनको सकता है कोई किसी प्लस या माइनस में मिल सकता है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस क्लास में आपको मिल जाएगा। अब आप लोगों को जो भी कुछ मुझे समीकरण का बताना है और परिमेय संख्याओं का थोड़ा सा एक दो सॉल्यूशंस मैं बता दूंगा, कुछ समीकरण के क्वेश्चंस बताऊंगा, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि हम कोई भी वीडियो दे तो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना दे, इसलिए ये मेरा वीडियो एक लिमिट में है। तो इसके सारे क्वेश्चन समीकरण के और परिमेय संख्याओं के का जो सोल्यूशन है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोग इस हमारे, तो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए। मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियोस में काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल गांव के पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करिए। हम आपको फेसबुक पे प्लेटफॉर्म में गांव की पाठशाला ही पढ़ाई के नाम से मिल जाएंगे, यूट्यूब में गांव की पाठशाला ही पढ़ाई के नाम से मिल जाएंगे। हमारा वीडियो बनाने का मतलब ही तब निकलेगा जब आप लोग हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और नीचे कवर तक ले जाएंगे, इन गाँव तक में हमारे वीडियोज़ पहुँचने चाहिए, जो हमारा मेन मोटिव है। हमारे जितने वीडियोज़ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे हम उतना अच्छे वीडियोज़ बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आती है। अभी हमारा 8th चल रहा है, 8th के साथ हम 7th स्टैंडर्ड भी पकड़ेंगे, 9th स्टैंडर्ड भी पकड़ेंगे। 15 से 20 दिन का अंतराल रहेगा हर क्लास के टॉपिक्स के लिए, और मैथ क्योंकि हमने सोचा 8th और 10th को पहले बोर्ड क्लासेस को निपटा देते हैं, उसके बाद आपका ये कर देंगे। तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा हो मेरे गांव के पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद सभी को।